असलकुम वेलकम टू इजी कुकिंग आज हम बनाएंगे आलू पराठा ये पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है मैंने इसको बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आया है बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आया है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बनाएँ ज़रूर से इंजॉय करें बहुत ही अच्छी रेसिपी है आप इसको चाहे तो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनके तैयार होता है तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया हुआ है ये मैंने दो कप गेहूँ का आटा लिया है ये डाल देंगे इसी के साथ साथ हम यहाँ पर डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने लिया है वन टी स्पून हाफ टी स्पून मैंने ये अजवाइन लिया है इसको हम इस तरह से रगड़ कर डालेंगे और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ये यह हरा धनिया लिया है थोड़ा सा ये भी डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब हम इन सबको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है अब ये मैंने हल्का गर्म पानी लिया है इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे सारा पानी एक बार ना डाले थोड़ा थोड़ा डाले और इसका डो तैयार कर ले इसका डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए एकदम रोटी पराठे के जैसा डो तो यहाँ पर ये मैंने डो तैयार कर लिया है अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये वन टी कुकिंग ऑयल और इसको हम इस तरह से कुछ सेकेंड के लिए गूँध लेंगे और बस ये हमारा डो हो जाएगा तैयार और यहाँ पर हमारा डो तैयार हो चुका है अब हम इसको कर के छोड़ देंगे दस मिनट के लिए और इधर ये मैंने आलू लिए हैं ये मैंने चार मीडियम आलू लिए हैं उबले हुए जिनको मैंने उबाल लिया है छील लिया है और मैंने इनको तोड़ लिया है इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसी के साथ साथ इसमें डाल देंगे सेजवन चटनी इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डालें मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ डेढ़ चम्मच आप इसको ज़रूर से डालें और ज़रूर से बनाकर देखें एक बार बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और पराठे का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है तो ये मैंने डाल दी है इसको हम मिक्स कर लेंगे और मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है तो इसमें डाल देंगे हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें आप मैं यहाँ पे डाल दूँगी वन टीस्पून नमक अब हम इन सबको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू के जो बड़े बड़े पीसीस हैं उनको हम तोड़ देंगे और बिल्कुल बारीक कर लेंगे अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये देखिए यहाँ पर हमारे आलू तैयार हो चुके हैं बिल्कुल बारीक कर लिया है मैंने इनको बड़े बड़े पीसीस सारे के सारे तोड़ दिए हैं और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अब हम आटे को चेक कर लेंगे और इधर हमारा आटा भी तैयार हो चुका है ये देखें अब ये मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हम इसको कुछ सेकंड के लिए कूंद लेंगे ऐसा करने से हमारा जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा ज़बरदस्त बनेगा और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको गूंद के तैयार कर दिया है अब हम इसमें से पेड़े निकाल लेंगे तो पेड़े अपनी पसंद से निकाल लेंगे बड़े या छोटे जैसा भी आप पराठा बनाना चाहते हैं मैंने यहाँ पर ये इस तरह का पेड़ा रखा हुआ है मैंने इसको सूखे आटे में लपेट लिया है और बस अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ये देखें और बस अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू जो हमने तैयार किए थे आलू अपनी पसंद से डाल लें कम या ज़्यादा बहुत ज़्यादा आलू ना डालें वरना तो पराठा फट जाता है और ये देखें अब हम इसको हाथ से ऐसे दबाते रहेंगे और इसको चारों साइड से अच्छे से बंद कर लेंगे इस तरह से इसको बंद कर देना है और बस अब हम इसको गोल कर लेंगे इसको हम सूखे आटे में लपेट ले लेंगे और बस अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको हम हाथ से ऐसे फैला देंगे ताकि हमारे जो आलू है वो बराबर पराठे में आ जाए खूब अच्छे से पूरे के पूरे पराठे में फैल जाए ये देखें अब ये मैंने बेलन लिया है इसकी मदद से हम इसको बेल देंगे हल्के हल्के हाथ से बेले बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें वरना तो हमारा जो पराठा है वो फट जाएगा ये देखें फिर से इसके ऊपर मैंने सूखा आटा लगा लिया है थोड़ा सा और फिर से हम इसको इस तरह भी बेलेंगे ये पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप इनको एक बार ज़रूर से बना कर देखें ये घर में सभी को पसंद आएंगे और ये देखें ये हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है ये देखें मैंने इस तरह का रखा हुआ है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है पतला नहीं है और इधर मैंने ये तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए हमारा तवा गर्म हो गया है तो मैंने पराठा डाल दिया है अब हम इसको एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फिर हम इसको दूसरी साइड पलट लेंगे फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है और ये मैंने पराठे को दूसरी साइड पलट लिया है अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे ऑयल आप चाहे तो यहाँ पर घी लगा ले या फिर ऑयल लगा ले जो भी आपको पसंद हो खूब अच्छे से लगा देंगे पराठे पे। अब हम इसको दूसरी साइड परट लेंगे और इधर भी लगाएंगे ऑयल और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा बना है एकदम फूला फूला है और इसी तरह हम दोनों साइड ऑयल लगाएंगे और इसको बराबर सेक लेंगे और फ्लेम को मीडियम में रखें हाई फ्लेम ना करें ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा बना है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ये देखिए हमारा पराठा दोनों साइड से सीख के तैयार हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा बन गया है तो इसको हम निकाल लेंगे ये देखें और यहाँ पर हमारा तवा गर्म है तो हम दूसरा वाला पराठा भी डाल देंगे और इसको भी हम एक साइड सीख जाने देंगे फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर जरूर से क्लिक कीजिएगा उसी से मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचेगी और यहाँ पर मैंने पराठे को दूसरी साइड पलट लिया है अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे ऑयल तो ऑयल अपनी पसंद से लगा ले कम या ज़्यादा इसी तरह हम इसको दोनों साइड से सेक लेंगे दूसरी साइड भी ऑयल लगाएंगे ये देखिए इधर से भी हल्का सीख गया है और ये देखें यहाँ पर हमारा पराठा सीख चुका है दोनों साइड से अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे पराठे तैयार करेंगे तो यहाँ पर हमारे पराठे सारे के सारे तैयार हो चुके हैं जो बहुत ही जबरदस्त बने हैं इनका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आया है और ये देखिए मैं आपको एक पराठा अंदर से दिखा देती हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त बना है और ये देखिए इसके अंदर आलू एकदम बराबर आए हैं इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बहुत ही ज़बरदस्त सा और अलग सा टेस्ट आता है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं ज़रूर से इंजॉय करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे इजी तो कुकिंग आज हम बनाएंगे सबसे सिंपल सबसे टेस्टी आलू मटर का टेस्टी पराठा जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है टेस्टी बनता है और बनाना एकदम आसान है और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है आप चाहे तो इसको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो बनाना एकदम आसान है और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है आप चाहे तो इसको चटनी के साथ अचार के साथ या फिर चाय के साथ इंजॉय करें तो ये ज़बरदस्त सा पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है इसमें डाल दिया है वन टी कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जीरा और जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम टू टेबल स्पून कटा हुआ प्याज और इसको हम मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए और फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम लो रखा हुआ है मीडियम लो फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें। ये मैंने तीन हरी मिर्चें ली हैं इनको मैंने कट कर लिया है तीखा अपने हिसाब से रखेंगे आप जैसा आपको चाहिए और बस इसको भी हम मिक्स करते हुए इसी तरह से कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर हमारी हरी मिर्ची और प्याज फ्राई हो चुकी है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है वन टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और इसी तरह हम इसको भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम लो ही रखेंगे और मैंने इसको भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर ये मैंने हाफ कप मटर ली है और ये मैंने उबली हुई मटर ली है इसी के साथ साथ इसके अंदर डाल देंगे नमक वन टीस्पून डाल दिया है मैंने अब हम मटर को अच्छे से मैश करते हुए पकाएंगे फ्लेम को मैंने यहाँ पर कर दिया है लो फ्लेम को लो रखेंगे और हम मटर को इस तरह से मैश कर लेंगे ये देखें यह पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बनाए बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनके तैयार होता है और ये देखिए यहाँ पर हमारी मटर तैयार हो चुकी है मैंने इसको खूब अच्छे से मैश कर लिया है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इधर मैंने ये आटा ले लिया है ये मैंने दो कप गेहूं का आटा लिया है और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे आलू ये मैंने तीन आलू लिए हैं उबले हुए हैं मैंने इनका छिलका निकाल दिया है ये मैंने लिया है कद्दूकस अब हम एक एक आलू लेंगे और इसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से हम सारे के सारे आलू कद्दूकस कर लेंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ये देखिए यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है अब हमने जो मटर तैयार की थी ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ध्यान रखिए नमक हमने मटर में भी डाला है तो यहाँ पर ध्यान से नमक डालें मैं यहाँ पर वन टी नमक का डाल रही हूँ इसी के साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे चिली फ्लेक्स ये मैंने टू टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से रखें आप और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक चौथा टीस्पून हींग डाल दिया है और ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और ये मैंने पानी लिया है ये मैंने हल्का गर्म पानी लिया है इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका डो तैयार करेंगे पानी इसमें एक बार में सारा ना डालें थोड़ा थोड़ा डाले और इसका डो तैयार करें ये देखें इस तरह से इसका डो तैयार कर लेना है हमें इसका नॉर्मल डो चाहिए बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और पतला भी ना हो और ये देखिए यहाँ पर मैंने डो तैयार कर लिया है नॉर्मल डो रखा हुआ है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और पतला भी नहीं है इधर ये मैंने सूखा आटा ले लिया है अब हम इसमें से पेड़े निकाल लेंगे तो यहाँ पर पेड़े अपनी पसंद से बड़े या छोटे रख सकते हो जैसा भी आप पराठा बनाना चाहते हो मैंने यहाँ पर इस तरह का रखा हुआ है अब हम इसको सूखे आटे में इस तरह से लपेट लेंगे और बस एक बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे जब भी हमारा पराठा चिपकने लगे तभी आप इसको सूखे आटे में लगाएं और इस तरह से इसको बेल करके तैयार करें ये पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं टेस्ट बनते हैं आप इसको एक बार जरूर से बना कर देखें टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसको बनाना एकदम आसान है और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है ये देखें यहाँ पर इसकी थिकनेस देखिए आप मैंने इस तरह का रखा हुआ है तो बस इसको हम एक साइड रख लेंगे और इसी तरह हम दूसरा वाला पराठा भी तैयार कर लेंगे यहाँ पर हम दो तीन पराठे बेल के तैयार कर लेंगे फिर हम इनको सेकेंगे इसी तरह से हम इसको भी पराठे को तैयार करेंगे ये देखें इस तरह से तैयार कर लेना है और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है इनका और इधर मैंने तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए फ़्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है तवा गर्म हो चुका है तो मैंने इस पर डाल दिया है पराठा जैसे ही हमारा पराठा हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसको दूसरी साइड पलट लेंगे और इधर से भी हम हल्का सा इसको सिक जाने देंगे और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल या घी मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ इसी तरह से हम दोनों साइड लगा लेंगे ऑयल और दोनों साइड से हम इसको ख़ूबसूरत सा कलर आ जाने तक सेक लेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे ये देखें ये पराठा बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये देखे कितना ख़ूबसूरत सा कलर आ गया है हमारे पराठे का बहुत ही ज़बरदस्त सीख गया है हमारा पराठा दोनों साइड तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है इसको हम निकाल लेंगे ये देखें बहुत ही टेस्टी हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है और इसी तरह हम दूसरा वाला पराठा भी सेक लेंगे ये देखें दोनों साइड से इसी तरह इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे और इसको भी हम दोनों साइड से सेक करके तैयार करेंगे और फ्लेम को मीडियम में रखेंगे मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको सेक लेंगे और ये देखें ये देखें ये हमारा पराठा भी सेक के तैयार हो चुका है इसी तरह हम सारे के सारे पराठे तैयार करेंगे ये देखें तो यहाँ पर हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बने हैं और बनाना एकदम आसान है तो आप इसको जरूर से बनाएं ज़रूर से इंजॉय करें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बनाना एकदम आसान है आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो फिर मिलेंगे एक कोने रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज